सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्जॉली वंस अगेन। और आज हम करेंगे डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू 2021 ऑल न्यू अपडेटेड टाटा टियागो के एक्सटी वेरिएंट का। तो ये सेकंड बेस मॉडल आ जाता है टाटा टियागो के वेरिएंट लाइनअप में। एक्सी के बाद आपको सीधा एक्सटी वेरिएंट यहां पे देखने को मिलेगा। तो ये भी आप उसका सिल्वर कलर में शेड देख रहे हैं। 1.2 लीटर के रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी ऑफर करी गई है, जो प्रोड्यूस करती है अराउंड 84 BHP ऑफ पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। वहीं अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस गुरुग्राम हरियाणा में बात करें तो वो पड़ जाती है अराउंड 6,06,000 एंड 6,10,000 के बीच में। इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा गुरुग्राम हरियाणा में। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आर्या टाटा में कर रहा हूँ, सिकंदरपुर में इनकी डीलरशिप है। तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर इस गाड़ी की क्लेम माइलेज की बात करें तो 16.8 KMPL की ARAI क्लेम्ड आपको माइलेज इस गाड़ी में दी गई है। अब अगर एक बार इस गाड़ी की चाबी की बात करें, आपको ऐसी कुछ इसमें चाबी दी गई है। एक जो की फॉब है आपको यहाँ पे फोल्डिंग की फॉब दिया गया है, फोल्डेबल की दी गई है। जो सेकंड वाली की है आपको कन्वेंशनल नॉर्मल की दी गई है। आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग दी गई है इस गाड़ी में, जो अच्छी बात है सेकंड बेस वेरिएंट में। एंड जो चाबी की क्वालिटी वगैरह है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंसिडरिंग कि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। तो ये एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी। अगर यहाँ पर फंक्शनिंग की बात करें, लॉक अनलॉक एंड आपको यहाँ पर फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स मिलते हैं, कन्वेंशनल हैलोजन हेडलैम्प्स हैं। बल्ब आपको यहाँ पर दिया गया है एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी हैलोजन में फिनिश किए हुए हैं। तो ये फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फंक्शन काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, स्पेशली रात में जब आप अपनी गाड़ी लोकेट करना चाहते हो तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पर मिलती है। एंड ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का पूरा लुक मिलता है। हेडलैम्प सेटअप का ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट एंड क्रोम का आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस्तेमाल दिया गया है। ग्रिल की बात करें, आपको यहाँ पे ट्रायर और एलिमेंट के साथ ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे ग्रिल दी गई है। एंड इसकी जो नोज़ है कहीं ना कहीं टाटा अल्ट्रोस से मिलती जुलती है, तो इसको काफ़ी एक इम्पोजिंग एंड अग्रेसिव लुक मिल जाता है। जो बम्पर की स्टाइलिंग वगैरह है काफ़ी शार्प की गई है, एरोडायनामिकली काफ़ी एफिशिएंट लगती है ये गाड़ी। एंड जो क्रीजेस वगैरह हैं काफ़ी एरोडायनामिक ज़रूर आपको लगेगी जब आप पहली नज़र में इसको देखेंगे। एंड जो टो हुक है आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिलता है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो फ्रंट लुक है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है आपको, ऐसा कुछ इसका फ्रंट ओवरव्यू गाड़ी का देखने को मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। एंड जो डीलरशिप डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वाइपर्स वगैरह की बात करें तो कन्वेंशनल वाइपर्स मिलते हैं, कोई भी रेंज सेंसिंग वाइपर्स या ऑटो हेडलैम्प्स का फंक्शन आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता। अगर एक बार लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता, बट आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरी में या टाटा मोटर्स से परचेज़ करके इसमें फॉग लैम्प्स लगा सकते हैं, तो उसका ऑप्शन आपके पास ज़रूर बने रहेगा। एंड आप एक बार साइड प्रोफाइल पे बढ़ें तो आपको ऐसा कुछ इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगा। जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं आपको बॉडी कलर दिए गए हैं, LED इंडिकेटर की स्ट्रिप आपको यहाँ दी गई है। अगर मैं गाड़ी लॉक करूँ तो आपको यहाँ पे दिया गया फंक्शन, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं आपको डोर हैंडल दिखाऊँ आपको ऐसा कुछ मिलता है। कीलेस एंट्री का कोई भी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। तो अभी गाड़ी लॉक्ड है एंड अनलॉक आप करेंगे, सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सेस द डोर। एंड डोर की बात करने से पहले एक एसेंशियल पार्ट मैं आपको यहाँ पर कवर करते हुए दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 14 इंच के स्टील रिम्स, 175/65 R 14 इंच के आपको यहाँ पे स्टील रिम्स मिलते हैं। सिल्वर आपको व्हील कैप यहाँ मिलता है। गुड ईयर के टायर्स आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी में देखने को मिलते हैं, बट वो ब्रांड कोलैबोरेशन पे डिपेंड करेगा कि किस लॉट में आपकी गाड़ी एक्चुअली आ रही है। नाउ कमिंग टू द डोर ऑफ दिस कार, जो दरवाज़ा है आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑल फोर पावर विंडोज़ आपको दिए गए हैं। जो प्लास्टिक क्वालिटी है आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, काफ़ी बिल्ड टू लास्ट वाली फीलिंग है। बट ये जो प्रीमियमनेस का कोशेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको लैक यहाँ पे करते हुए देखेगा। आपको यहाँ पे जो असेंबली है डोर हैंडल की बदल दी गई है, तो यहाँ पर आपको नया डोर हैंडल सेटअप मिलता है 2021 के वेरिएंट में। एंड ऑल फोर पावर विंडोज़ दिए गए हैं अलॉन्ग विद द चाइल्ड लॉक फंक्शन फॉर द रियर पावर विंडोज़। ये जो इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग का मैकेनिज्म है आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया, फोल्ड नहीं आप कर सकते, सिर्फ आपको रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप ऐसे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको फंक्शनैलिटी आपको दी गई है, दरवाजे पर ही इसका ऊपर माउंटेड आपको फंक्शन मिलता है। अब बढ़ जाते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में एंड बाकी सारी चीज़ों की एक बारी बात कर लेते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं टाटा टियागो 2021 के एक्सटी वेरिएंट के अंदर। तो ये इंटीरियर एक बारी आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए, आपको किस हिसाब से यहाँ पे इंटीरियर वगैरह मिलते हैं। अभी फीचर्स एंड जो क्वालिटी लेवल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं मटेरियल्स के, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगा क्यों ये एक काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है, हालांकि एग्जैक्ट वेरिएंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है।
तो इसके बारे में भी हम छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी डिटेल को अभी हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो पहले आपको अगर इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स के बारे में ब्रीफ करूँ तो ये गाड़ी ऑफर करेगी है 2 एयरबैग्स ABS विद EBD के साथ। इसमें आपको टॉप एंड वेरियंट में भी सिर्फ 2 ही एयरबैग्स का ऑप्शन मिलता है। अब चाबी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आपको ऐसी कुछ फ्लिप की मिलती है। एक बार इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो आपने ऐसा कुछ देखा, यहाँ पर आपको एक स्वाइप मिलता है, टाटा मोटर्स ऊपर लिखा हुआ आता है एंड ऐसा कुछ आपको इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं है, छोटी सी स्क्रीन है, बट यस डिजिटल होने के वजह से ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगी। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ यहाँ पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है, जो टैकोमीटर है लेफ्ट को मिलता है, राइट को आपको फ्यूल गेज दी गई है एंड जो इंजन टेम्परेचर गेज है वो भी आपको राइट को डिस्प्लेड मिलती है। अगर हम इसको एक बारी टॉगल करें तो आपको यहाँ पर 2 स्टॉक्स दिए गए हैं। तो पहले तो आप यहाँ से ट्रिप ए बी वगैरह में यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट का टॉगल दिया गया है एंड लेफ्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइम वगैरह अगर आप सेट करना चाहें तो वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड राइट वाला टॉगल मैं आपको दिखा चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए टॉगल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज वगैरह ये आपको दिखाएगा। अगर इस गाड़ी की ARAI क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो 16.8 किलोमीटर्स पर लीटर की यहाँ पे ARAI क्लेम्ड माइलेज आपको इस गाड़ी की मिल जाती है। जैसा आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है जो अराउंड 84 BHP की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क निकाल देता है। एंड अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें, यहाँ पर आपको राइट को कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते, बट लेफ्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। तो वॉइस कमांड के रिलेटेड यहाँ एक कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन आप यहाँ से कर सकते हैं, म्यूट आप यहां से कर सकते हैं एंड जो वॉल्यूम अप डाउन है आपको यहां पे करने का ऑप्शन मिलता है। सीक ट्रैक यहां है तो यहाँ पर अगर आपको मोड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मोड चेंज करने का ऑप्शन है बेसिकली। एंड जब भी ब्लूटूथ या USB वगैरह यहाँ पे कनेक्टेड होगी आपके फ़ोन के द्वारा, तब यहाँ पर आप FM अगर चला रहे हैं तो आप USB में स्विच कर सकते हैं, तो इन दैट केस आपको वो ऑप्शन मिल जाता है, चलते हुए आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा काफ़ी। एंड यहाँ पर जो साइड में हॉर्न्स की प्लेसमेंट है ना, जो हॉर्न पैड है वो काफ़ी एक कन्वीनियंट चीज़ हो जाती है। जैसे अगर आपको आदत है आप साइड से ही स्टीयरिंग पकड़ते हैं, मोस्टली ऐसे ही लोग पकड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर साइड में आपको बस दबाना है। काफ़ी कन्वीनियंट आपको पोजिशन दिया गया है। यहाँ पर आपको वाइपर रिलेटेड सारे टॉगल्स दिए गए हैं एंड राइट को अगर आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प रिलेटेड सारे टॉगल्स दिए गए हैं। ये जो स्टॉक्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सो इन दैट केस इट्स अ प्रिटी गुड क्वालिटी प्लास्टिक यूज्ड ओवर हियर। तो प्लास्टिक क्वालिटी अगर हम इस गाड़ी के प्राइस को कंसिडर करें, जो अप्रॉक्सीमेटली 6,06,000 रुपीज़ ऑन रोड गुरुग्राम हरियाणा है, तो ये जो आपको डिटेल्स वगैरह हैं शोरूम की मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँगा, आप वहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लेफ्ट को यहाँ पर हार्मन का सिस्टम मिलता है तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। अगर आप एग्जेड वेरिएंट में अपग्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स एज वेल एज 4 ट्वीटर्स, बट ये आपको 2 डिन का सिस्टम मिलता है कन्वेंशनल, हार्मन का है ये सिस्टम भी। एंड आपको इसमें कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं, तो अगर इसमें रोटरी डायल दिए जाते हैं ना वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता, बट नेवरदलेस ये आपको जो सिस्टम है आपको अगर आप दूर से देखेंगे ऑफ होगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि टच स्क्रीन है बट ऐसा नहीं है। तो पहले तो आप इसको वॉल्यूम अप डाउन यहां से कर सकते हैं, आपको ऐसा कुछ मिलता है, आपको कोई भी हैप्टिक फीडबैक यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जहाँ पे इम्प्रूव करी जा सकती थी, क्योंकि जब आप अगर गाड़ी वगैरह आप चला रहे हैं तब आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी वॉल्यूम अप डाउन या कोई भी जो आप करना चाह रहे हैं वो हुआ है फुलफिल या नहीं टास्क। एंड फ़ोन वगैरह आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो पेयर न्यू डिवाइस एंड डिवाइस विजिबिलिटी वगैरह के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। एंड यहाँ पर आपको इसको ऑफ़ करने का बटन मिल जाता है, आपको टाइम दिखा देगा। तो ऐसा कुछ आपको बेसिक सा यहाँ पे सिस्टम मिलता है जो जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर आपको ज़्यादा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह की ज़रूरत नहीं है तब आपके लिए ये भी काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा, काफ़ी अच्छे से फुलफ़िल कर जाएगा। जैसा मैं बता चुका हूँ XT वेरिएंट सेकंड बेस वेरिएंट है, तो ये इसमें कुछ कुछ अपडेट्स भी किए थे 2020 में। एंड उसके साथ साथ आपको अभी 2021 वाला अपडेटेड वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स की जो असेंबली है उसको चेंज कर दिया गया। नीचे आपको मिलता है मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, AC ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड जो रिसर्कुलेशन का बटन है आपको यहाँ मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको USB की यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है, USB का आपको इनपुट सोर्स मिलता है। एंड यहाँ पर आप 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है बेसिकली, तो आप यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट अपना लगा के फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में हम बात करें, उतनी ज़्यादा आपको कोई कोई एरियाज़ में अच्छी नहीं मिलेगी,
चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस एरिया, दिस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक रफ प्लास्टिक की फिनिश है, आपको यहाँ पे फिनिश थोड़ी ज़्यादा बेहतर बनाई जा सकती थी. बट यस, कंसिडरिंग कि ये काफ़ी बजट सेंसिटिव गाड़ी है एंड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ये बहुत अच्छे से कवर कर जाती है. 4-स्टार ग्लोबल एनकैप टेस्टेड गाड़ी है ये, तो ये छोटी मोटी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वही बात हो जाती है, अगर आप एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव गाड़ी देखेंगे तो आपको यहाँ पर शायद ही कोई भी इश्यूज आप पॉइंट आउट कर पाएंगे. एसी वेंट्स वगैरह की क्वालिटी भी प्लास्टिक में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है. हैजार्ड लाइट का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है. नीचे आपको 5-स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. तो अगर मैं आपके लिए रिवर्स गियर एंगेज करूँ, आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका नहीं मिलता है, बट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर ज़रूर दिए गए हैं 2 in number. तो यहाँ पर आपको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी दिखाएगा. तो जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे आते रहेगा तब आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलता रहेगा. तो फिर से अगर आपके लिए एंगेज करूँ तो आपको यहाँ पर वो देखने को मिल रहा होगा. अब नीचे आते हुए आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं. यहाँ पे बहुत छोटे कप होल्डर्स हैं, तो आपको यहाँ पे शायद ही बॉटल वगैरह तो आप खड़े ही नहीं कर पाएंगे, ग्लास वगैरह कर सकते हैं. जो छोटी मोटी आपके निक नैक्स होते हैं डेली के यूज़ के, वो यहाँ पर फिट आ जाएंगे. हैंड ब्रेक आपको मिलती है मैनुअल, एंड यहाँ पर भी एक छोटी सी स्पेस मिलती है. यहाँ पर आप एक पोटेंशियल 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट का आपको हाउसिंग दिया गया है, जिसमें आप लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट चाहें तो. एंड यहाँ पर आपको एक कप होल्डर एक कभी होचा दिया हुआ है. अब अगर यहाँ पे ग्लव बॉक्स एक्सेस करें, यहाँ पर आपको एक शैडो डाउन सी फिनिश मिलती है. आप इसको दबाना है अपने आप खुल जाता है. कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी एलिमेंट्स हैं कुछ कुछ. यहाँ पर विजिटिंग कार्ड होल्डर है, यहाँ पर पेन होल्डर है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं. एंड अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पार्सल शेल्फ भी मिलती है, जिसमें आप थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान रख पाएंगे. एंड अगर यहाँ पर एक प्रैक्टिकलिटी टच की बात करूँ, जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं इस गाड़ी के बारे में, यहाँ पर आपको एक हुक मिलता है. तो यहाँ पर इसको आप ओपन करके यहाँ पर सामान वगैरह टांग सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है. क्रोम की आपको यहाँ पर फिनिश मिल जाती है. ग्लॉसी ब्लैक का ये पूरा पैनल दिया गया है, इसके वजह से कैबिन थोड़ा प्रीमियम फील होने लग जाता है. इंटरनल रियर व्यू मिरर आपको मैन्युअली डिमिंग मिल जाता है. एंड यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, जिसको आप अपनी टोल रिसीट्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं. एडजस्टेबल आपको इसमें दिया गया है, जो काफ़ी हद तक आपके लिए सनलाइट को ब्लॉक कर देगा. माइक आपको यहाँ पर दिया गया है, जो आपकी ऑडियो का इनपुट लेगा जब आप फ़ोन से बात करेंगे अपने हारमोनियम के सिस्टम के थ्रू. एंड अगर यहाँ पे लेफ्ट की बात करें, ट्विटर्स की आपको यहाँ पे हाउसिंग दी गई है, आप इसमें आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं. अगर आप कोई ऑडियो अपग्रेड करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट मिलती है. हालांकि 4 स्पीकर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं दरवाज़ों पर, ट्विटर्स आप चारों दरवाज़ों पर अगर आप चाहें तो फिट करा सकते हैं. और अगर आपको एक बार स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की बात बताऊं, यहाँ पे टेलीस्कोपिक तो आपको जाहिर सी बात है नहीं मिलता, बट टिल्ट का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है. फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है विद ग्लॉसी इंसर्ट्स ओवर हियर, तो ये काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आपको देता है. अब बढ़ जाते हैं इस गाड़ी के रियर एंड पे एंड बाकी सारी चीज़ों की एक बार बात कर. सो गाइस, अब अगर इस गाड़ी के रियर एंड में जाएं तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं. एंड जो डोर का थर्ड है वो ज़रूर आपको इम्प्रेस करेगा, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. तो शीट मेटल क्वालिटी तो अच्छी है ही, बट जो प्लेटफॉर्म रिजिडिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है. अब यहाँ पे दरवाजे की अगर बात करें, पहला तो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डोर हैंडल की असेंबली चेंज कर दी गई है. यहाँ पर अब आपको एक सेपरेट डोर नॉब दिया गया है लॉक कर अनलॉक करने के लिए, जो अच्छी बात है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ट्विटर की यहाँ पे ग्रिल ज़रूर दी गई, बट अंदर प्लेस नहीं है ट्विटर. आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं आफ्टर मार्केट. आपको रियर पावर विंडोज़ तो मिलते ही हैं. स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ है, एंड यहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं. बॉटल यहाँ पे नेसेसरीली नहीं आ पाएगी, यहाँ पे छोटी वाली बॉटल आ पाएगी 250 ml वाली. बट यहाँ पर अगर आप सामान वगैरह रखना चाहें आपका यहाँ पे ठीक ठाक आ जाएगा. अगर यहाँ पे अपर्चर की बात करें, ज़्यादा आपको वाइड अपर्चर नहीं मिलता, बट घुसने में कोई भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी. अब बढ़ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर. सो गाइस, अब मैं बैठ चुका हूँ टाटा टियागो के अंदर. जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 feet and 10 inches मेरी हाइट है. फ्रंट एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं अभी मैं एकदम अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ. एंड आप यहाँ पे अगर मैं खोल के एक बार ही बैठूँ तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इसमें नी रूम मिल जाता है. अगर मैं एकदम स्ट्रेच होकर बैठूँ तो यहाँ पे लगभग 2.5 inches का यहाँ पे मेरे पास नी रूम बच जाता है. एंड अगर मैं थोड़ा अपराइट होकर बैठूँ तब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लगभग 4 inches का आपके लिए नी रूम एम्प्टी आउट हो जाता है. अगर आप पैर यहाँ पे नीचे टक इन करना चाहें, आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है, आप इसमें काफ़ी कंफर्टेबली टक इन होके बैठ सकते हैं. अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आपको ऐसा कुछ मिलता है, लगभग 3 to 3.5 inches का आपको यहाँ पे हेडरूम देखने को मिलेगा. आप एक बार ही इसका भी ओवरव्यू ले लीजिए. अगर विड्थ की बात करें, यहाँ पे डेफिनेटली मैं टियागो के अदर वेरियंट्स कवर कर चुका हूँ. 2 adults यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे, एंड एक आप यहाँ पे
चार से पाँच साल तक का मैक्सिमम यहाँ पे बच्चा बैठा पाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम्प भी मिल जाता है, तो यहाँ पर एक बच्चा ही बीच में कंफर्टेबल होगा। यहाँ पर आपको एक कबी होल मिलता है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। कोई भी हैंड रेस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, एंड जो आपको हेड रेस्ट मिलते हैं वो भी आपको फिक्स्ड मिलते हैं। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हेड रेस्ट ज़रूर दिए गए हैं बट फिक्स्ड हैं, एडजस्टेबल नहीं है। एंड यहाँ पे जो टायर आरो का यहाँ पे थीम मिलता है वो आपको कैरी ऑन करता हुआ दिया गया है अक्रॉस द इंटीरियर ऑफ दिस कार। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग दी गई है उसके साथ ये काफ़ी एक अपलिफ्टिंग टोन बना देता है इंटीरियर को। एंड ये प्योर ब्लैक इंटीरियर्स नहीं है, डुअल टोन का इस्तेमाल है, तो थोड़ी एयरीनेस ज़रूर बरकरार रहती है। ऊपर आपको एलईडी में रीडिंग लैम्प दिया गया है, एंड यहाँ पर जो विंडो लाइन है वो भी आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है, तो एयरीनेस बनी रहेगी कैबिन में। क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको नहीं फील होना चाहिए। एंड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं दोनों तरफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर। अब एक बारी रियर एंड में, एक बारी बूट स्पेस में नज़र मार लेते हैं। एक बारी अगर मैं आपको सीट फोल्डिंग मैकेनिज्म दिखा दूँ तो आपको यहाँ पर टॉगल दिए गए हैं। बेंच फोल्डिंग सीट है, आपको बस इस टॉगल को यूज़ करना है एंड सीट को आप ऐसे गिरा सकते हैं। अभी वो सीट बेल्ट थोड़ी साइड में होती तो एकदम फ्लैट बेड आपके लिए बन जाता, तो ये भी आप लगेज इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बारी पीछे बूट स्पेस में चले जाते हैं। बूट स्पेस में घुसने से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आपको टेल लैम्प्स यहाँ पे मिलते हैं। कन्वेंशन हैलोजन आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं, हैलोजन बल्ब आप अंदर देख पा रहे होंगे। जो इंडिकेटर है ये भी आपको हैलोजन फिनिश में ही दिया गया है। एंड ऐसा ओवरऑल आपको इसका पीछे का टेल लैम्प असेंबली का लुक मिलता है, काफ़ी क्यूट सा एंड थोड़ा स्पोर्टी सा आपको लुक मिलेगा पीछे से बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक एलिमेंट जो आपको बम्पर में ऑफर किया गया है। दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है इस गाड़ी में। टियागो की यहाँ बैजिंग वगैरह दी गई है। अब अगर आपको बूट अनलॉक करना है तो आपको यहाँ पर की होल दिया गया है, आपको बस चाबी निकालनी है। ऐसी कुछ आपको यहाँ पे चाबी दी हुई है, आप इसको ऐसे खोल सकते हैं एंड बूट को एक्सेस करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। 242 लीटर्स का आपको इस गाड़ी में बूट स्पेस मिल जाए तो डिसेंट है इसके साइज़ को कंसिडर करते हुए। लोडिंग लिप आपको हालांकि थोड़ी हाई मिलती है तो आपको थोड़ा झुकना पड़ सकता है सामान निकालने के लिए एंड डालने के लिए, तो वो थोड़ा कंबरसम प्रोसेस हो सकता है, बट ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। पार्सल शेल्फ भी आपको नहीं दी गई इस वेरियंट में जो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। सीट फोल्डिंग मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आपको ऐसा कुछ मिलता है। तो दिस इज़ दी ओवरऑल बूट ऑफ दिस कार। एक बार अगर बूट को बंद करें तो आपको इसका ऐसा कुछ बम्पर मिलता है। स्पोर्टी एक्सेंट्स आपको दिए गए हैं। अब ये ब्लैक फिनिश जो है तो ये काफ़ी एक अच्छा इसको रगेड सा लुक भी देता है, स्पोर्टीनेस भी थोड़ी ऐड कर देता है इस गाड़ी के कैरेक्टर को। एंड ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का रियर ओवरव्यू दिया गया है। ऊपर बढ़ते हुए आपको यहाँ पर स्पॉइलर तो नहीं मिलता बट यहाँ पर आपको कॉर्नर में यहाँ पर एलिमेंट्स मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक में जो इसको एक अच्छा लुक दे देते हैं पीछे से। एंड हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर दिया गया है। रूफ रेल जैसी कोई भी चीज़ आपको इस गाड़ी में नहीं ऑफर करी गई। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन सजेशन बिलो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय आईडी इज द कार शो _ बाय आरजॉली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।